तो प्रतिशोध की भावना दिल में न आने पाए कभी, प्रतिशोध की भावना दिल में आने न पाए कभी। हाथ मिलाना छोड़ ऊपर से, गले लगाकर दिल मिला, गले लगाकर दिल मिला। रोशनी कम हो रही बढ़ रहा अंधेरा, रोशनी कम हो रही बढ़ रहा अंधेरा। पल में हो जगमग जग सारा, ऐसा कोई दीप जला, ऐसा कोई दीप जला। तो उसने के लिए ऐसा दीप जला है उसने बेटी ने, ये पल में सारा जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान से ही अंधेरा हमारा दूर होता है। सुने लता जी, अब उस क्षण उस पल के लिए, हाँ उसी के लिए करें, उस पल के लिए हम सब इंतजार में हैं। जो बेटी स्नेह है वो एक हमारे यहाँ पर पहुँचे सभी बुजुर्गों को और बच्चों को, एक बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगी और बच्चों को एक संदेश देंगी। विद्यार्थी जीवन में संदेश देना, प्रेरणा एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी विद्यार्थी को, बच्चे को कोई प्रेरणा दे सकते हो तो उससे बड़ा कोई भी गिफ्ट नहीं है। तो एक वो उनको एक प्रेरणा देंगी हमारे आने वाले भविष्य को। आओ उसने जी, आओ बेटे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए स्नेहलता मंच पर पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है एक बार। सबसे पहले तो मेरे सारे गांव वाले और जो भी अतिथिगण हैं उन सबको मेरी राम राम। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोगों का इतना सम्मान और प्यार देख के मैं, ये एक मेरे लिए भावुक क्षण है। आप सब यहाँ पे आए, आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया, सबने इतना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। रस्ते में भी जितनी भी मेरी दादी हैं, दादा हैं, जितने भी चाचा चाची भाभी, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, सब ने इतना प्रोत्साहित किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी अतिथिगण हैं जो भी, उन्होंने भी मुझे शुभकामनाएँ दी, मेरे बारे में जो भी बोला उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं गांव तिगड़ाना की बेटी हूँ, जहाँ पे लड़कियों को इतना सम्मान दिया जाता है, इतना प्यार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हर गांव में, हर शहर में, हर जगह ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे जैसा माहौल हम तिगड़ाना गाँव में देख रहे हैं, कि बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए, उनको उस लेवल तक पहुँचाना चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ जो व्यक्ति सफल होता है सिर्फ उसका पूरा योगदान नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार का और पूरे गांव का, पूरे समाज का योगदान होता है, तभी एक व्यक्ति सफल हो पाता है। क्योंकि अकेले जब तक आपको एक मानसिक रूप से एक प्रोत्साहन नहीं मिलता है और कुछ सहयोग नहीं मिलता है लोगों का, तब तक आप नहीं सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद ही है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ और इतना आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि इस गांव का हर बच्चा, हर बच्चा, हर लड़की, क्योंकि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे गांव की हर लड़की और हर लड़का और जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उनको भी मेरा यही है कि आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो अचीव करो, खूब पढ़ो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं कहती हूँ शिक्षा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारा समाज, हम सब तरक्की करें, तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शिक्षित करो। जैसा कि हम देखते हैं बाबा साहब जी ने भी यही संदेश दिया था, और उनकी भी शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की थी, इतने ऊंचे पद पे वो पहुंचे थे, उसी का एक नतीजा है कि आज मैं भी और जितने भी हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जिस भी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, रविदास जी, संत रविदास जी और बाबा परमहंस का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलके ही एक अच्छा समाज हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबको मिलके बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। सारे जितने भी माता पिता हैं, जितने भी दादा दादी हैं, उन सबको मैं ये संदेश दूंगी कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको पढ़ने के लिए और ज़्यादा उनको बोलिए, उनको शिक्षा का महत्व समझाइए, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी लाइफ में हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो उस चीज़ के लिए सबको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए।
मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगी। मेरे दादाजी और दादी जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे माता पिता और मेरे भाई, मेरे चाचा चाची, सब, मतलब क्योंकि सब ने ही मुझे हर स्टेज पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। क्योंकि जब सब आपको इतना प्रोत्साहित करते हैं तो आपको खुद भी एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, आपको भी लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कैपेबल है कुछ करने के लिए, तो जो भी लोग उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं उनको करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कोई भी बच्चा किसी अभाव की वजह से, किसी भी मतलब एक सहायता के अभाव से रहना नहीं चाहिए। सबको मतलब एक अवसर मिलना चाहिए, सबको वो प्रोत्साहन वो सब मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है सब बच्चों को ये मिलना चाहिए और सबको बहुत ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी हम हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा समाज और हमारा पूरा भारतवर्ष भी मतलब उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे लगता है हमारे गांव के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट हैं और टैलेंटेड भी हैं, तो उनको बहुत बस एक मोटिवेशन की ज़रूरत है जो हम सब मिलके दे सकते हैं। जैसे आज मुझे आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया है, तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ करना है। मैं और भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ अपने गांव का नाम रोशन करने का, तो मैं पूरा अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लाइब्रेरी का भी प्रोविज़न किया जा रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। उनकी वजह से आज यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, इतना माहौल, उन्होंने सम्मानित किया मुझे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा योगदान देना चाहूँगी। जो भी मुझे लगता है कि जो शिक्षा है, जो किताबें हैं, किताबों का महत्व हम सबको पता है कितना है, तो हमें लगता है कि ये जो किताबें हैं, ये जितना भी लाइब्रेरी है उसको बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हम सबको सहयोग करना चाहिए ताकि हम अपने गांव में ये शिक्षा का एक माहौल बना सकें, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा बढ़े। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हर परिवार में कोई बड़े बड़े अफसर बने, जज बने और खेल कूद में जाएं, क्रिकेटर बने, कोई बॉक्सर बने। तो मतलब सब बच्चे अपने अपने गाँव का और परिवार का नाम रोशन करें। तो ये मेरी आप सबसे यही शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी, बच्चों को भी यही मैं मोटिवेशन देना चाहूँगी और मैसेज देना चाहूँगी। और यहाँ पे लाइब्रेरी, मैं हमेशा से मेरा यही मानना है कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं मतलब यहाँ पे जो भी बच्चे भी हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में भी, अगर वो सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो अगर मेरी किसी प्रकार की अगर उनको सहायता चाहिए तो मैं हमेशा उनके लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ, किसी भी प्रकार की अगर मेरी सहायता चाहिए। क्योंकि गांव में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को वो पता नहीं चल पाता है कि क्या करना है, आगे कैसे करना है, उनको एक सहायता के रूप में या जो भी है गाइडेंस नहीं मिल पाती है गांव में। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो भी अफसर बनते हैं अपने गांव से, या जो सफल होते हैं किसी भी फील्ड में, ऊंचाई पे पहुंचते हैं, हम सबको अपने गांव के बच्चों को गाइड करना चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह, क्योंकि हम लोग भी जो आज सफल हुए हैं, हम भी अपने गाँव के जैसे IAS विजय दैया जी हैं, ऐसे लोगों को देख के इंस्पायर होकर ही हम लोग भी यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो मैं यहाँ पे गांव में लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो किया जा रहा है, उसके लिए अपनी तरफ से 11,000 रुपये की भेंट प्रकट करना चाहूँगी। और आगे भी समय समय पर मैं अपना जो भी मेरी सहायता हो पाएगी वो मैं करना चाहूँगी। तो अंत में बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं मिलके, बस एक करेज और एक मोटिवेशन की बहुत हमें ज़रूरत है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए, ये मत समझिए कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे या कुछ है। आप सब में वो चीज़ है कि हर किसी में काबिलियत होती है, बस उसको पहचानने की और थोड़ा प्रोत्साहन मिलने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी, अपने आप को कम मत समझिए किसी से भी, और हमेशा अपने जो भी है आगे बढ़ते रहिए। और ऊंचाई को पाने के लिए मन में बदलाव की भावना नहीं होनी, मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि बदलाव लाने की भावना होनी चाहिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो यहाँ अतिथिगण भी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।